आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2x ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हैज़ नो रियल रूट इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस का 2x ए सी प्लस बी डी और प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें आपको प्रूफ करना है कि इसके नो रियल रूट होंगे, मतलब रियल रूट नहीं होगा। मतलब क्या रूट होगा? वो इमेजनरी होगा, इमेजनरी, उसके रूट्स इमेजनरी होंगे। तो इसके लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है डी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डी हमारा लेस देन जीरो होता है तो रूट्स हमारे नो रियल होते हैं, मतलब इमेजनरी होते हैं। ठीक है जी। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, मगर यहाँ पे ए और बी उन्होंने यूज़ कर रखा है स्मॉल ए बी, तो इसलिए हम लोग इनको कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लेट करेंगे। ठीक है। तो कैपिटल ए हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी हो जाएगा एक्स का कोफिशियंट, तो इसका कोफिशियंट क्या है 2 और ए सी प्लस बी डी, 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी प्लस कैपिटल सी इज कॉन्स्टेंट टर्म सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम डिफाइन करते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा। 2ab मतलब ए सी इंटू बी डी। ठीक है जी। माइनस का 4, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले ए स्क्वायर की दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर की दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको आप 2abcd लिख सकते हैं, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस हो गया। अब आपका यहाँ पे बच गया 2abcd माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd। ठीक है जी। आप इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होल स्क्वायर बन गया ad माइनस bc का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसने दे रखा है, आपको गिवन है कि ad नॉट इज इक्वल टू bc, तो इसीलिए आपके पास ये वाला टर्म तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस का 4 ad माइनस bc का स्क्वायर आ गया लेस देन 0, क्योंकि इसके बाहर गया नेगेटिव साइन है। ठीक है जी। तो इसीलिए आपका d लेस देन 0 हो गया और रूट्स हो गए r इमेजिनरी।